आज हमने करना है जी नेक्स्ट रेजर टूल करेंगे। थोड़ा सा मैं टूल्स को शफर करके आपको करवा रहा हूँ, वो इसलिए करवा रहा हूँ जो सिमिलर टास्क वाले टूल है वो इकट्ठे करवा रहा हूँ, जो डिफरेंट जिनका ऑपरेशन डिफरेंट है, जिनका पर्पज डिफरेंट होता है, तो उनको मैं एक साथ जो एक जैसे है वो सारे इकट्ठे करके वो एक जैसे हो रहे हैं। अगर हमने आज रेजर टूल करेंगे, ठीक है, ये भी इमेज क्रॉप उसके लिए बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है, डिफरेंट इमेजेस को आपस में मिक्स करने के लिए भी रेजर टूल यूज होता है। इसमें सबसे पहले है सिंपल रेजर टूल, आपने कोई भी शेप बनाई है, कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, आपने उसको अरेज करना है, कुछ भी है, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, किसी भी फॉर्म में कलम ने किया था और उसके बाद इसे सही नहीं किया था। अब हमने इस ऑब्जेक्ट को अगर अरेज करना है, रेजर की इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है, यहां से हम रेजर टूल लेंगे, वही राइट ब्रैकेट से साइज बड़ा होगा, लेफ्ट ब्रैकेट से साइज छोटा होगा, ठीक है, जहां पे इसके ब्रश साइज आ रहे होते हैं इसमें डिफरेंट स्टाइल दिए होते हैं, ये ब्लर एजेस के साथ है, ये सॉलिड एजेस के साथ है, ये भी सॉफ्ट एजेस के साथ है, इस तरह डिफरेंट इसमें है, ये इसका ब्रश साइज यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से इसकी हार्डनेस कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलावा ये नीचे डिफरेंट टेक्सचर के ब्रशेस भी हैं, जिन टेक्सचर्स की फॉर्म में भी हम ऑब्जेक्ट को अरेज कर सकते हैं, स्पेशल ब्रशेज है, ठीक है, ये फर्दर स्पेशल टेक्सचर है, जिस टेक्सचर पे आप ब्रश सेलेक्ट करेंगे वो उस तरह अरेज करेंगे। अगर आप सॉलिड ले रहे हैं, पिक कर रहे हैं, तो अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाकर क्लिक करेंगे, अगर इसकी ओपेसिटी क्या होती है, इसकी ओपेकनेस होती है, ओपेकनेस क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी, ग्लास शीशे का ग्लास नहीं तो वो क्या होता है, शीशा जो होता है वो क्या होता है, ओपेक होता है, वो दोनों तरफ नजर आता है, इतना डल होता जाएगा तो क्या होगा, उसकी ओपेसिटी कम होती है, 100% ओपेक होगा तो क्लियर होगा, अगर ओपेसिटी 100% का तो उसका बिल्कुल वैल्यू जो है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, ओपेक होगा तो नजर आएगा, अगर ओपेक नहीं होगा तो उसकी ट्रांसपेरेंसी 100% है, ट्रांसपेरेंसी कम होगी तो ओपेक होता जाएगा। अब हमने 100 पे रखी, ये देखिए स्लेयर को सिलेक्ट किया, जिस ऑब्जेक्ट को करेंगे आप क्लिक करेंगे उसको वो अरेज करेगा, सॉलिड वाले पे हैं, सॉलिड ब्रश साइज छोटा करेंगे, छोटा अरेज कर देगा, ठीक है। अगर हमने बैकग्राउंड में तो लेयर ली हुई है, सपोज इस पे कलर है तो हमें वो कलर इसके अंदर से नजर आ रहा है, इसका मतलब ये कि यहाँ से वो उसे अरेज कर रहा है, ये नीचे वाला कलर है इसको अरेज कर रहा है ब्लैक कलर, अब ये इसने क्या किया है, इसको अरेज कर दिया क्योंकि वो लेयर वो सिलेक्टेड थी, इसको करना है। अगर मैं इसका सॉफ्ट ब्रश लूंगा, ये वाला सॉफ्ट ब्रश क्या करेगा, उसको सॉफ्ट एजेस कर देगा, ये देख रहे हैं, इसको ब्लेंड करना है, सॉफ्टली अरेज करेगा, इसका ब्लेंड होता है ना, अब वो ऑरेंज के साथ ब्लेंड होता जा रहा है, पहले मैंने क्लिक कर रहा था वो शार्प भी कर रहा था, फर्दर यहां से इसकी ओपेसिटी मैं अगर काम कर दूंगा तो और स्मूथ हो जाएगा, इसका फ्लो और ओपेसिटी को काम करूंगा ये और स्मूथ हो जाएगा, ये देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में ब्लेंड करना हो या मिक्स करना हो तब हम रेजर टूल यूज करेंगे। ये नंबर ऑफ क्लिक्स पे बेस करता है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्लिक्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। ये तो था कि शेप्स को मैंने एडिट किया, अब मैं यहां पर इमेज लेके आता हूं, सपोज सॉरी
मैं गाड़ी इधर लेके आया, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका बैकग्राउंड इसमें मिक्स करना है, इसलिए तो मैं ऑफ कर देता हूँ उसको, मैं कंट्रोल भी करता हूँ। अब मुझे इसको मिक्स करना है इस बैकग्राउंड के साथ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं रेजर टूल पे गया, एक ऑप्शन मेरे पास ये, यहाँ से मैं सॉफ्टली साइडों से इरेज करता जाऊँगा। मैं इसका फ्लो थोड़ा सा पेस्टी बढ़ा दूंगा तो जैसा शार्पली काम करेगा, फ्लो भी। तो पहले मुझे जरा स्पीड से करना है तो मैंने इसको तेज कर दिया। मुझे यहाँ ब्रश साइज में छोटा कर दूंगा ताकि मेरी गाड़ी को ना डैम सर उसके पास ना जाए। ब्रश साइज छोटा किया मुझे पेस्टी और इसको भी थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा। मैंने क्रॉप नहीं किया अपना इमेज, मैंने क्या किया रेजर टूल से उसे बैकग्राउंड में ब्लेंड कर लिया, तो उसके एक्स्ट्रा चीजें थी जो मुझे पोर्शन चाहिए था मैंने वो रख लिया, बाकी सारा मैंने ये था ना किसी इमेज को इस तरह लेता है। अब मुझे दो डिफरेंट इमेजेस को मिक्स करना है, वो कैसे होंगे, अगर दो डिफरेंट इमेजेस हैं उनको आपस में मिक्स करना है या तो मैं इसे क्रॉप करके लेके आऊ, ठीक है। अगर मैं क्रॉप नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, इसे अरेज करूंगा, ठीक है। अगर अरेज इस तरह नहीं करता या मैं इसको इधर ले आता हूँ, एक और इमेज लेता हूं इसी चीज का, हम चाहते हैं कि ये दोनों इमेजेस आपस में मिक्स हों तो इनकी ओवरलैपिंग होगी। यहां से हम रेजर टूल पे गए, रेजर टूल से ब्रश साइज बड़ा किया, हमने ये देखना है कि ना ब्लेंड कर अब दोनों का बैकग्राउंड मिलता जुलता था। अब वो दोनों इमेजेस क्या हुए, दोनों मिक्स हो गए, अब वो लग नहीं रहे, ये नहीं लगेगा हमें फील होगा कि दो अलग अलग इमेजेस थे।
क्यों नहीं लगेगा जब तक ये हमारे पास, उसके बाद एक टूल है हमारे पास क्रॉप टूल। अब हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको जितना हमें चाहिए एक्स्ट्रा एरिया वो क्रॉप कर देंगे, तो ये इमेज हमारे पास रह जाएगा जितना हमें चाहिए था, लेयर उसकी उतनी रहेंगी, लेकिन अब वही दो इमेजेस मिक्स हो रहे हैं, लेकिन हमें फील ऐसे हो रहा है जैसे एक ही टूल है, नया लगा रहता पड़े तो, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ लग रहे हैं। अब इसको अगर आपने थोड़ा सा अरेंज करना है, इधर से इसको करेंगे आप, तो ये थोड़ा सा ये नीचे से क्यों ऑरेंज क्यों नजर आ रहा है, बैकग्राउंड लेयर जो है वो ऑरेंज है, जब ये इमेज इसके साथ मिक्स हो रहा है तो इसलिए वो अब वो ऑरेंज खत्म होता जा रहा है, वो पीछे ये वाला इमेज आ रहा है। डिफरेंट इमेजेस को मिक्स करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को मिक्स करने के लिए सिंपल रेजर करेंगे या अरे। अब उसके बाद आता है बैकग्राउंड रेजर टूल। बैकग्राउंड रेजर क्या करता है, ये उसी तरह आपका जिस तरह क्विक सिलेक्शन टूल काम करता है, ब्रश को आपने बड़ा किया, इसके प्लस साइन से ये जिस तरह टॉलरेंस आती थी मैजिक ब्रांड में, यहाँ से टॉलरेंस आएगी, ये देखते हैं ये इसमें जहाँ पर प्लस साइन आएगा वहां से पिक करता जाए, देख रहे जहां जहाँ प्लस साइन आ रहा है उसको उनको पिक करेगा, प्लस साइन को पिक करेगा, बीच में से वाइट छोड़ दिया, इस सर्कल के अंदर जहां पे प्लस है वहां से उसने उस टोन को पिक करना, इसमें डिसएडवांटेज इसका क्या होता है, ये देख रहे हैं आप थोड़ा थोड़ा साइडों में ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन जा गया, हमें फिर दोबारा फाइन ट्यून करना पड़ेगा इसे, बाकी ये कर लिया हमने, अब इसको फाइन प्रॉपर रेज करना था, हम क्या रेजर पे गए, कैपेसिटी 100% की ठीक है, फ्लो 100% किया, यहाँ से सॉलिड ब्रश लिया ठीक है, उसके बाद साइज छोटा किया जो हमारे कैनवस के अकॉर्डिंगली, ये हमने बड़ी स्पीड से इसको साफ कर सकते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्रॉप हो गया, एक मेथड ये। इसके बाद तीसरा इसमें टूल आता है मैजिक रेज टूल। मैजिक क्या करता है, मैजिक डायरेक्टली पिक करता है कलर टोन को, उसे क्लिक करना है उड़ा देना है, जितनी कलर जिस कलर टोन को जो उसकी टॉलरेंस अच्छी होगी उस टॉलरेंस को, वो क्या कर रहा था, वो सर्कल के अंदर था, ये मैजिक वैंड की तरह है, इसमें मैजिक वैंड है, सेम इसकी टॉलरेंस है, ये देखो यहां से आप टॉलरेंस बढ़ाएं या कम ज्यादा करें, सपोज हम इसे 60 कर देते हैं, अब ये देखिएगा एक प्लेट पे कितना एरिया उड़ा दिया, लेकिन इशू इसमें भी क्या आता है, ऑब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड पे पैचेस छोड़ देता है, ये सारे टूल मैजिक मैन, क्विक सिलेक्शन, मैजिक रेजर, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ साथ बैकग्राउंड का कुछ पैचेस छोड़ देंगे जो कि आपको बाद में रिफाइन करने पड़ेंगे, जो कि फाइन क्रॉपिंग या अच्छी तकनीक नहीं समझी जाती। जब भी आपने क्रॉपिंग करनी है आपका इमेज प्रॉपरली क्रॉप्ड होना चाहिए, प्रॉपरली क्रॉप का मतलब ये है कि उससे आप जब बैकग्राउंड से सेपरेट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड का टेक्सचर आपके इमेज के साइडों के साथ अटैच ना हो, इवन के सिंगल पिक्सल भी किसी बैकग्राउंड का कलर का वो साथ ना हो, देन वो प्रॉपर क्रॉप्ड इमेज कंसीडर किया जाता है। अगर एक भी इमेज के साथ एक भी डॉट या सर्कल कोई चीज आ गई बैकग्राउंड कलर की, इट मीन्स आपकी फाइन क्रॉपिंग नहीं हुई, आपके कर्व स्मूथ नहीं है, आपकी तब भी फाइन क्रॉपिंग नहीं, आपकी कर्व स्मूथ होने चाहिए, आपको कर्व शेप में ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके स्मूथ एजेस आने चाहिए, शार्प एजेस ऐसे आने चाहिए, स्मूथ से मराइए कि कोने शोने ना निकले, राउंड शेप है तो कोई कोना इधर से निकल रहा है कोई, प्रॉपर स्मूथ कॉर्नर उसके जो होने चाहिए राउंड शेप में से आना चाहिए, क्लियर। इसी को कोई कंफ्यूजन, इधर देखते हैं, अब हमने क्या देखा, क्या अभी क्या करना था कि जी किसी का अगर बैकग्राउंड किसी चीज का चेंज करना है तो किस तरह करेंगे, सपोज ये घर है, हमने क्या किया मैजिक वैंड से या किसी भी टूल से, हमने जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है हमने उससे सिलेक्शन ली,
बैकग्राउंड की, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, रिमूव कर दिया, क्या कह रहे हैं अनलॉक करें लेयर को, एक लेयर को अनलॉक किया फिर रिमूव। अब हमें इसके पीछे क्या लगाना है, एक व्यू बैकग्राउंड लगाना है। व्यू बैकग्राउंड मतलब जिसका स्काई लगाना जो आप काम कर रहे हो, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक तो या तो सब्जेक्ट को किसी ऐसे एनवायरनमेंट पे ले जाए या इसके पीछे ले आए कोई ऐसा स्काई या कोई इमेज, ठीक है। ये ओपन करते हैं हम, ये वाला ले जाते हैं, इसके पीछे लेयर लेके आए, इस लेयर को बंद कर दिया। अब ये लेयर होगी बड़ी, अब इसको इससे ऊपर रखेंगे तो ये नजर आएगा, स्काई ऐड हो गया, ठीक है। लग तो नहीं रहा कि ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। अगर आपको इसके एजेस इसी जगह डिस्टर्ब करें कुछ हो तो वही रेजर टूल जो अभी हमने पढ़ा है, रेजर टूल पढ़ा है, इसके सॉफ्ट वाला लेना है। अगर आपको फील हो किसी जगह आपको इसको सॉफ्ट करना है, कुछ करना है, तो आपने इसको ये किया, यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम की, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा एजेस रह गए, तो सॉफ्टली आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके सॉफ्टली अरेज करेंगे वो चीजें मिक्स होना शुरू हो जाएगी। शार्प एजेस जो डिस्टॉर्टेड थे वो गायब होना शुरू हो, या तो आपने क्रॉपिंग बहुत अच्छी की हो ये डिस्टॉर्शन आए ना, ठीक है। अदरवाइज आप इसको रेजर से ब्लेंड कर लोगे। ये है बैकग्राउंड चेंज करने का मेथड। ब्रश टूल से हमने देखा है कि किस तरह हमने सॉलिड कोई स्पॉट लेना है तो वो किस तरह आएगा, ठीक है। अगर हमने सॉफ्ट ब्रश लिया होगा तो सॉफ्ट स्पॉट आएगा, सॉलिड ब्रश लिया होगा तो सॉलिड स्पॉट आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमने किसी इमेज पे ऊपर शेडो देना सॉलिड इस तरह आएगा, अगर हमने सॉफ्ट लिया होगा तो मिक्स करने के लिए इस तरह आएगा। उसको करके इसका ग्रेडियंट में लेते हैं, एक न्यू लेयर लेते हैं, उस पर दूसरा कलर दे दिया, उसको नीचे रखा, ये दो कलर मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इस इमेज के ऊपर हमने ये स्ट्रोक लगा के देखा ब्रश के साथ सॉफ्ट वाला, ये चीज लगाई। उसके बाद हमने ये लगाई, इस इमेज पे गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट किया हमने, सिलेक्शन होगी, हमने रेड में से इसको डिलीट किया था, कंट्रोल डी किया, रेजर टूल लिया, रेजर टूल को सॉफ्ट किया, यहां से इसको क्लियर किया ताकि ये लगे ये इसके साथ ब्लेंड हो जाए बैकग्राउंड में। जिस हमने स्काई वाला इमेज चेंज किया था ना, इसी तरह ये इमेज चेंज किया ताकि वो इसके साथ ब्लेंड हो, ऐसे लगे कि ये रेड लाइट पड़ रही पीछे से कहीं से, ठीक हो गया जी। इसके बाद हमने किया इस गाड़ी पे, नेक्स्ट टूल आता है इसका, हमने देखा कि ब्रश से हम जिस तरह पेंट में या पेंसिल से और ब्रश से हम डिफरेंट लाइनें लगा लेते हैं। उसके बाद हमने कलर रिप्लेस देखा, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना हो उसकी सिलेक्शन लेंगे, हमने देखा लेसो टूल से ले ले, ये हमने सिलेक्शन ली, जो भी कलर हमने सिलेक्ट करना है, जो कलर चेंज करना है वहां से उस सब्जेक्ट की हमने सिलेक्शन लेनी है। देन जो कलर सिलेक्टेड होगा वो कलर हम अपने कलर रिप्लेस टूल से उसमें अप्लाई कर देंगे। क्या मतलब चेंज किसका, रेजर से तो कलर चेंज नहीं होगा, कलर रिप्लेस टूल से होना है, कलर रिप्लेस से। ठीक हो गया जी, हमने सिलेक्ट कर लिया, यहां से हम ग्रीन पे गए, ग्रीन कलर लिया। अब हमने कलर रिप्लेस टूल पे गए, यहां से हम जब इस पर अप्लाई करेंगे, ये देख रहे हैं स्किल साहब, अब ये कलर देखिएगा सिलेक्शन आएगा, इस तरह हमने इस गाड़ी का कलर सारी का चेंज किया था, इसी तरह इस ब्राइड के कलर चेंज किए, इसके बालों का, इसकी आईज का, इसकी ज्वेलरी का, इसके स्टोन्स का। अगर हम इसके ड्रेस का कलर ग्रीन करना चाहते हैं यहाँ से ग्रीन कर लेंगे, यहाँ से इसकी टॉलरेंस कम करेंगे तो कम कलर आएगा, ठीक है। जिस तरह हम उसको एडजस्ट करेंगे कलर रिप्लेस होता जाएगा, सिलेक्शन लेके करेंगे विद इन द सिलेक्शन आएगा,
विदाउट सिलेक्शन करेंगे तो ये सारे इमेज में आता रहेगा। सिलेक्शन सर अपना लेसर टूल से लेंगे किसे लेंगे? सिलेक्शन लेसर टूल से ले सकते हैं, पेन टूल से ले सकते हैं, सर्कल टूल से ले सकते हैं, जिस मर्जी टूल से आप, जिससे आपके लिए कन्वीनियंट हो। क्लियर होगा जी? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी सैटरडे को।